अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज चटपटी मसालेदार आलू की चाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी राई दाना, और राई दाने को हम चटकने देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए राई दाना चटकने लग गया है। अब यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं 1/2 kg, और ये आलू इसमें डाल दूँगी। आलू को 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी मैं। आलू को फ्राई होते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं इमली का पल्प डाल दूँगी। इमली का पल्प लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। फ्लेम लो कर दूँगी, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद अब इसको मैं 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो इसे पकते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हम चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। चाट बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली है मैंने, वो सब यहाँ पर देखे मौजूद है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने मसाला आलू बनाकर रखे थे, वो इसमें डाल दूंगी। मसाला आलू चाट बनाने के लिए मसाला आलू मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं प्लेट के अंदर। अब इसमें मैं डाल दूंगी उबले हुए चने। ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप डालना चाहें, मेरे पास मौजूद थे इसलिए मैं थोड़े से उबले हुए चने इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी दही वाला रायता, जो सिंपल सा हम घर में बनाते हैं। हरी चटनी जो सब बनाते हैं उसमें दही डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के जो चटनी बनाते हैं, वो चटनी मैंने बना ली है। तो ये इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब इसमें डाल दूंगी मैं कटा हुआ बारीक प्याज, बारीक सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसके सेंटर के बीच मैंने निकाल दिए हैं, ये भी डाल दूंगी इसमें। आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आप मालूम करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये डाल दूंगी थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता डाल दूंगी, 1 लेमन का जूस डाल देंगे हम, चाट मसाला डाल दूंगी। चाट मसाला हंसकर जितना भी आप डालना चाहें। वैसे आलू भी मसालेदार है और सारी वेजिटेबल हरी मिर्च भी मैंने डाली है, तो चाट मसाला आपके लिए ऑप्शन है, आप जितना डालना चाहिए उतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पापड़ी डाल देंगे। तो बहुत ही मज़े की चटपटी सी मसालेदार सी हमारी मसाला आलू चाट बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।